सो नेटवर्क एश्योरेंस एंड मैनेजमेंट की इस सीरीज के अंदर हम बात कर चुके हैं अपने स्पैन यानी कि स्विच पोर्ट एनालाइजर, देन आपका नेट फ्लो, फ्लेक्सिबल नेट फ्लो एंड आपका IPSLA, है ना। तो आई गेस यही हमने किया अभी तक। और इन कुछ वीडियोस में हम बात कर लेते हैं EEM यानी कि एम्बेडेड इवेंट मैनेजर के बारे में। EEM क्या है? देखो, मैंने जब आपको IPSLA करवाया था तो वहाँ पे एक मेंशन किया था कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि IPSLA ने सिर्फ आपको क्या किया था, नोटिफाई किया था कि दिस दिस इवेंट हैज अकर्ड, है ना, ये हो चुका है। अब EEM आपको एक स्टेप आगे ये यू नो फ्लेक्सिबिलिटी कह लो या फिर ये फीचर देता है कि आप उस इवेंट के ट्रिगर होने के बाद एक एक्शन ले सकते हैं, राइट। तो दैट इज व्हाट EEM इनेबल यू टू डू समथिंग। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी हम क्या बात करें कि जो लेट्स से ये राउटर जो आपका है ये इस आपके ISP मतलब ये एक जो ड्यूअल वैन है ना आपका, तो कनेक्शन वन है एंड देन आपका ISP 2 है, ठीक है। अब अगर ये आपका प्राइमरी लिंक है, ये आपका सेकेंडरी लिंक जो मैं बात कर चुका था लास्ट टाइम, अब लेट्स से दिस लिंक्स हैज सम प्रॉब्लम, तो नोटिफाई तो हो गया आपका पर आपको उसके बेस पे कोई एक्शन लेना है, ठीक है। तो वो एक्शन आप कहाँ डिफाइन करवा सकते हो? EEM में डिफाइन करवा सकते हो। अगर मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाऊं, लेट्स से एक राउटर है आपका और एक दूसरे राउटर से जुड़ा है, लेट्स से ऐसे, ठीक है। और ये जो इंटरफेस है आपका बाय एनी मीन्स बाय एक्सीडेंट है ना, ये मान लो कोई जूनियर इंजीनियर काम कर रहा है या फिर एनीथिंग कैन हैपन, है ना, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ यू नो फेलियर फैक्टर्स। अब ये है लेट्स से आपका गिग 1/2 इंटरफेस और ये हो गया है जी शटडाउन। तो ये शटडाउन जो है आपके लिए क्या है, एक ट्रिगर का काम करता है, ट्रिगर। अब इस ट्रिगर के यू नो शटडाउन हुआ क्या, ये इसको बोलते हैं हम क्या इसकी लैंग्वेज में, इवेंट है ये। तो इवेंट से एक एक्शन ट्रिगर होगा। अब आप वो एक्शन क्या है, लेट्स से आप चाहते हो कि एक CLI की कोई कमांड है और वो रन हो जाए, तो CLI की कमांड क्या चाहते हो आप? आप चाहते हो कि ये कुछ सीक्वेंस, अब आपको पता है कोई इंटरफेस अगर अप करना है तो उसके लिए कुछ सर्टेन कमांड्स रहती हैं। तो सबसे पहले तो आप उसमें ऐसे ना लिखना पड़ेगा आपको कि जैसे पहली 1.0 में कि आप इंटरफेस को सेलेक्ट करो गिग 1/2, फिर एंटर करके CLI कमांड 1.1 में, फिर आप क्या करोगे भाई इसके अंदर, आप क्या करोगे इंटरफेस के अंदर जाके नो शट, ठीक है। और यहाँ पे पहले आपको वो भी लिखना रहेगा, ये 1. क्या बोलते हैं इसको, एक तरह से 1.2, 1.0 क्या रहेगा, कॉन्फ्री, भाई उस मोड तक आना भी तो है आपको। तो ये जो सारी बातें हैं आपको, है ना, और ये कैसे उसको पता चलेगा? सबसे पहली बात तो यही है कि भाई इंटरफेस डाउन हो गया है आपका, इवेंट कैसे पता चलेगा उसको? तो आप मेंशन करेंगे जब आप कॉन्फिगर करेंगे ना EEM, तो इंटरफेस जब शटडाउन होता है तो एक मैसेज आता है ना कि लेट्स से इंटरफेस गिग 1/2 एडमिनिस्ट्रेटिवली शटडाउन। तो आप इस मैसेज को कॉपी करके अपनी EEM की कॉन्फ़िगरेशन में डालोगे कि भाई अगर ऐसा कोई मैसेज आपको कंसोल पे दिखाई दे तो आप उसके ट्रिगर होते ही ये एक्शन ले लीजिए, आप मतलब आप इंटरफेस पे जाके उसको दोबारा से नो शट कर दो, ठीक है। तो आपको इमीजिएटली वो नो शट हो जाएगा बिना आपके कुछ किए। तो दैट इज वट यू नो EEMs आर यूज फॉर। और EEM में क्या होता है, एम्बेडेड इवेंट मैनेजर के अंदर जो इसका ये ऑटोमेटेड बिहेवियर है, ठीक है, तो नथिंग इज ऑटोमेटेड इन इटसेल्फ, तो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो यहाँ पे आपकी कुछ स्क्रिप्ट्स चलती हैं, ठीक है, थीके? तो स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं, और अगर आप बिल्कुल जैसे मैं अभी लैब में आपको स्क्रिप्ट्स तो नहीं दिखाऊंगा, एप्लेट्स दिखाऊंगा। एप्लेट्स होती है सिंपलर स्क्रिप्ट, सिंपल बोलो, जो CLI में आप एग्जीक्यूट करवा के और अपना यू नो परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आप एक्सटर्नल स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो APIs और पाइथन वगैरह इन सब के थ्रू, तो दैट इज वन सेपरेट थिंग दैट यू कैन डू। एंड और इसके अंदर कुछ बताने वाला है, लेट लेट मी चेक। सो हम बढ़ लेते हैं आगे हमारे कंटेंट की तरफ। तो यही देखो जी, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एक फीचर आपके iOS का जो कुछ टास्क आपको ऑटोमेट करवाने की इजाजत देता है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो, बाय यूजिंग स्क्रिप्ट्स एंड एप्लेट्स। स्क्रिप्ट्स में और एप्लेट्स में मैंने बताया आपको कि क्या डिफरेंस है। रियल टाइम रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग, ये तो वो बाकी फीचर भी कर रहे थे, लेकिन इसमें अब अलग क्या है, ऑटोमेशन। यू कैन ऑटोमेट सर्टन एक्शन बेस्ड ऑन सम यू नो ट्रिगर्स एंड इवेंट्स, ठीक है। एक्सटर्नल के भी पॉसिबल है, दिस इज स्क्रिप्ट्स एंड एप्लेट्स। देन अच्छा, कोई
इवेंट नोटेबल मतलब कि जिससे फर्क पड़ सकता है आपकी, यू नो, राउटर की प्रोसेसिंग पे कह लो या राउटर की वर्किंग पे कह लो, या आप एक तरह से, तो आप जो उसका एक्शन है ना, या फिर आप उसको डिटेक्ट एक तरह से अगर करो। हाँ, स्लाइड देखो जरा, यहाँ से एक्शन नहीं, यहाँ पे बात हो रही है डिटेक्ट की, कि भाई इवेंट पता कैसे चलेगा कि भाई इंटरफेस शट डाउन हो गया आपका, ठीक है? वो सब आपको पता चलेगा, कुछ डिटेक्टर्स यूज करने होंगे। आपको पता है सिसलॉग क्या काम करता है, कि जो आपके कंसोल मैसेजेस हैं उनसे आपको पता लग सकता है कि भाई हाँ, जैसे अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया था, इंटरफेस शटडाउन का, तो वो मैसेज आया था, मैसेज को उसने एज अ डिटेक्टर पिक कर लिया, तो वो मैसेज आपके क्या है, सिसलॉग के मैसेज है, ठीक है? और कुछ काउंटर हो सकते हैं आपके, अप एंड डाउन होंगे, टाइमर हो सकते हैं आपके, ठीक है? काइंड ऑफ सेंस करेगा ये टाइमर्स को, SNMPs की एंट्रीज हो सकती है, या फिर IPSLA जैसे मैंने बताया वहां पे आप इसको ट्रैक कर सकते हो। तो कई सारी चीजें हैं, तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। आप सिसलॉग वाला इवेंट ट्रिगर होगा, या फिर अच्छा, इवेंट ट्रिगर होगा उसके बेस पे एक्शन, चलो ये तो मैं बार बार रिपीट नहीं करता, नहीं तो इट विल बी टू रिडंडेंट। एप्लेट एक्शंस, तो ये iOS वर्जन के बेस पे, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, कि ऐसा नहीं आप कुछ भी कमांड्स चलाने लगो और सोचो कि सारी चीजें हर एक डिवाइस पे हार्डवेयर पे हो जाएगा, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये तो बाकी हर चीज की तरह ये भी सेम है। सब्सक्राइबर, ठीक है, ये देख लेना आप अपना। चलो फिर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं हम अभी, या फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो रहने देते हैं, और अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे आपके बेसिक एंड कुछ, यू नो, एक दो एग्जांपल्स जो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग EEM। तो आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज, आई विल सी यू देन इन द नेक्स्ट वन, एंड अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और मस्त रहिए। बाय।